कॉमेट को किसी ऐसे इंसान ने छोड़ दिया था जिसने उसे पहले ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया, और जब वह घायल हो गई तो उसका इलाज कराने के बजाय उन्होंने उसे कचरे की तरह फेंक दिया। जब वह हमारे पास पहुंची तो बहुत डरी हुई थी। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा किया जा सके। हमने उसके पैर पर एक बहुत ही बुरे घाव का इलाज भी किया जिसे मैगेट्स लग चुके थे। भले ही वे घाव बहुत दर्द कर रहा था, फिर भी उसने काफी शांति से रह के अपना इलाज करवाया। जैसे ही उसका पैर ठीक हुआ, कॉमेट ने हम पर भरोसा करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द ही उसका प्लेफुल नेचर सामने आने लगा। कॉमेट को कुश्ती करना और खेलना बहुत पसंद था और किसी को भी देखकर अक्सर खेलने आ जाती थी, फिर चाहे वो डॉग्स हो, गाय हो या फिर इंसान। अर्ली मॉर्निंग वॉक्स पे जाना भी उसे बहुत पसंद था। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी जो चीज कॉमेट की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी थी वो था एक परिवार जो उसे अपनाए और बहुत सारा प्यार दे। तब ब्रैड ने उसकी तस्वीरें देखी और उन्हें वह बहुत अच्छी लगी। उसके बड़े बड़े कानों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। लेकिन उसकी कहानी पढ़ने के बाद ब्रैड को उससे प्यार हो गया। ब्रैड ने हमसे इस बारे में बात की और हम तुरंत ही जान गए कि वह कॉमेट के लिए एकदम परफेक्ट है। सुबह के 4 बज रहे हैं और हमारे जो 2 डॉग्स हैं वो वैंकूवर जा रहे हैं, जिसमें से एक कॉमेट है। ये इसके ड्राइवर हैं, दौलत राम भैया। ये अब कॉमेट और ब्रैड ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं और हर दिन नए नए एडवेंचर्स पर जाते हैं। Go get it. और जब थक के वापस घर आते हैं तो एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। Come on, say hello. Say hello. ब्रैड और कॉमेट की दोस्ती देख के तो यही बात ध्यान आती है कि दोस्त आखिरकार बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं। यही छोटी सी बात हम समझ जाएं तो कॉमेट की यही अच्छी जिंदगी हमारे देश में भी हो सकती थी। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप ये वीडियोस YouTube पे क्यों नहीं डालते, तो हमने YouTube पे अपना चैनल बना लिया है। चैनल का लिंक है youtube.com/peoplefarm।